नमस्कार। मेरे पिछले वीडियोज़ में मैं जब जीवन का सफलता और शुक्र महादशा के बारे में बोल रहा था तो कुछ मित्र मेरा कमेंट में दिए थे, उनका कुछ प्रश्न था जिनका समाधान मैं इस वीडियो में करना चाहूँगा। और कुछ मेरे ज्योतिषी मित्र या छात्र भी कह लूँ, शिष्य भी कह लूँ, उनका भी कुछ, जो लोग अभी सीख रहे हैं उनका भी कुछ क्वेरी इंक्वायरी क्वेश्चन था। और वो ओवरऑल एक ही विषय पे मैं सामूहिक कॉमन ले लिया एक क्वेश्चन को, कि कुछ बोल रहे हैं कि शुक्र महादशा के अंत में वह जातक गरीब या सर्वहरा हो जाता है या जितना देते हैं सब ले लेते हैं या फिर दरिद्रता आने का संभावना रहता है या हो जाता है। ये प्रश्न आम व्यक्ति किए होते अलग बात था, कुछ ज्योतिषी मित्र भी किए और कुछ ज्योतिष सीखने वाले भी किए, हो सकता है किसी जातक पे फलित किए हों। ज्योतिषीय विषय तो यहाँ बाद में समझेंगे, लेकिन मुख्य विषय तो पहले हम ये समझ लें। देखिए, शुक्रदेव देना क्या चाहते हैं? शुक्र का जो एनर्जी है, जो स्पार्क है, जो फायरिंग है आपके इनर सिस्टम पे, और वो जब आपके अंतकरण चतुष्ट में मन बुद्धि चित्त अहंकार से होते हुए आपके शरीर प्रपंच पे प्रतिफलित, प्रतिबिंबित या क्रियान्वित होता है, ये एक पद्धति है। ध्यान दीजिए, बड़ा सूक्ष्मता के साथ कह रहा हूँ। जैसे हमारे पास 7 चक्र हैं, 7 ग्रह भी हैं मुख्य, बाकी राहु केतु तो आप जानते हैं, छाया ग्रह बोलते हैं या फीमेटिक प्लैनेट ऐसा कुछ कहा जाता है, माया तो है, जो भी है वो है, मैं अभी उनका विषय तो बाद में। और शुक्र को हमारे शरीर के निम्न गुप्तांगों के शक्ति के कारक या उनके कारक बताया गया, या फिर जो भी काम उत्तेजनाएं हैं, संतान उत्पन्न हैं, कामों के कारक या विकारक, लेकिन उन इन सबको अगर इकट्ठा कर दिया जाए और समझने का प्रयास किया जाए तो वही शुक्रदेव हमारे जीवन के सुख, समृद्धि, धन, धान्य, जन, गोप, लक्ष्मी, यानी ज्योतिषीय भाषा में भूमि, भवन, वाहन, इन सबके प्रदाता या इन सबके कारण हैं। मेरे को जब बहुत से ज्योतिष या मेरे मित्र मंडली जब बोलते हैं ना कि शनि ग्रह है, मंगल ग्रह है, सूर्य ग्रह है, क्रूर ग्रह हैं, पाप ग्रह हैं, हैं तो जरूर, एक पल के लिए ना इनका वेगों को संभाल भी दोगे आपको बहुत कुछ समस्या नहीं होगा, लेकिन शुक्र का वेग को संभालना इतना सरल और सहज नहीं होता है। जब भी मूलधार चक्र पे शुक्र ग्रह का स्पार्क हो, इम्पल्सेस आए, वाइब्रेशंस आए, सिग्नल्स आ जाएं, और वो सिग्नल जब मूलधार चक्र पे होते हुए पिट्यूटरी पे आ जाता है, दिमाग पे आता है, ब्रेन पे आता है, और वहाँ से मन का कारक चंद्र पे, यानी चंद्र और शुक्र कहीं दृष्टि संपर्क बना रहे हों, युति संपर्क बना रहे हों, ग्रह संपर्क बना रहे हों, तात्कालिक मित्रता में हों, किसी भी प्रकार आपके कुंडली में कहीं ना कहीं बैठे हों, और कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट मित्र शत्रु का संपर्क हो गया, या तो आपके लिए दोनों कारक हों या मारक हों, अगर संपर्कित हैं तो साहब बड़े बड़े सन्यासी ब्रह्मचारी, क्योंकि जीवन भर मैं बहुत सारे आश्रम सन्यासियों के पास, ब्रह्मचारियों के पास घुमा हूँ और उनका दुख दर्द को समझता हूँ,
मेरे को खुल के बोलते हैं कि महाराज इतना भयंकर अंदर से समस्या चल रहा है कि जिसका वेग को संभाल पाना हमारा साधना भी कम पड़ रहा है, और इसके तहत बड़े बड़े 45 50 60 साल उम्र के बड़े बड़े साधु सन्यासी ब्रह्मचारी भी कोई प्रोस्टेट ग्लैंड में पीड़ित है, तो कोई साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर में पीड़ित है, तो कोई नारियों से छुप छाप के कहीं जाके रूम में बंद हुआ बैठा हुआ है, भयभीत है नारी से या काम वासना से। शनि से भयभीत नहीं है, मंगल से भी भयभीत नहीं है, और सूर्य बुध से भी भयभीत नहीं है, लेकिन भयभीत उनके अंदर का ये जो वेनसियस एनर्जी है, शुक्र का जो अति बल है, जो वेग है, जब अंदर दहाड़ मारता है। और ऐसे जगह में मैं देखा हूँ 65 साल उम्र का अति ज्ञानी ज्योतिषी पंडित महाज्ञानी को भी लेके उसके माध्यम से गलत करवा देता है, जिस गलती के कारण समाज में उनका मान सम्मान हानि भी हो जाता है। बाकी बाद में पछताते हैं, गलत हो गया, माफ़ी मांगते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मतलब क्या हो गया, घट तो गया ना। क्यों हुआ? क्योंकि आप और हमने इसको जबरदस्त दबाने का कोशिश किया, ना तो हमारा शिक्षा पद्धति एजुकेशन सिस्टम हमें इस प्रकार के काम वेग को या जो सेक्सुअल एनर्जी है या जो वेनसियस एनर्जी है, दोनों अलग अलग हैं, सावधान, मैं एकत्र नहीं कह रहा हूँ, आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ मात्र, उसको सही चैनल में डालना और अपने उस एनर्जी को किसी भी अलग मार्ग में लोड डाउन कर देना या उसे चैनलाइज कर देना, कैनलाइज कर देना, उसको डाइवर्ट कर देना, क्योंकि ये मार्ग ना तो हमारे एजुकेशन सिस्टम हमें प्रैक्टिस में दिया है, ना हमारा अभ्यास हुआ है, ना ऐसे कोई ध्यान योग निद्रा जाप तंत्र मंत्र का साधना कुछ हमारे द्वारा कराया गया, कुछ भी नहीं कराया गया, सिंपल काला अंग्रेज बना दिया गया, लॉर्ड मैकॉले वाला स्कूल में सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लब, सी फॉर क्रिकेट, सी फॉर क्लासरूम, सी फॉर क्लार्क घुसेड़ दिया गया, और खतरनाक स्थिति में को एजुकेशन में लड़का लड़की एक ही रूम में घुस के बैठ के पढ़ाई करेंगे, यानी वो जो वेनसियस एनर्जी है वो जितना जल्दी हो सके उन बच्चों का तीसरा चौथा पांचवा साल से लेके अप टू कॉलेज 17, 18, 19, 20, 22 साल तक वो बर्बाद हो जाए, डैमेज हो जाए, डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी काम का लायक नहीं रहे। और ख़ास इसी वजह से हम लोग गुरुकुल शिक्षा पद्धति शुरू किए हैं, कर अब विगत 12-14 साल से चला रखे हैं, ग्राम्य गुरुकुल का भिन्न भिन्न प्रारूप चला रखे हैं, क्योंकि सबको ओडिशा में आके हमारे गुरुकुल में अध्ययन करना संभव नहीं है, इसीलिए आप सबको मेरा अनुरोध है, यहाँ पर एक छोटा सा एड ब्रेक लेना चाहूँगा, कि आप अपने गाँव में शहरों में इस प्रकार के माइक्रो गुरुकुल ग्राम्य गुरुकुल खोलें चलाएं, ये और आप लोग भी आचार्य बनने के लिए हमारे पास आएं, गुरुकुल का आचार्य या आचार्या का प्रशिक्षण लें और अपने गांव पे ऐसा गुरुकुल खोलें, ताकि अगला पीढ़ी इस प्रकार के समस्या में नहीं पड़े और वह अपने वेनसियस ऊर्जा और एनर्जी को चैनलाइज करके महान से महानतम हो सके और अपने को भिन्न प्रकार के काम विकारों में ना डाले, और उसका जो अति भयंकर कुपरिणाम आज समाज में चारों तरफ, मैं यहाँ इन सब शब्दों को कहना तो नहीं चाहूँगा, आप समझदार को इशारा काफ़ी है, चाहे वो गेइज़िम हो, चाहे होमोसेक्स हो, चाहे चाइल्ड अब्यूज हो, इस प्रकार के कितने प्रकार, और इससे और खतरनाक आज के कथा कथित संत सन्यासी और बाबाओं का जो अनैतिक या ऐसा मैं कहूँगा जिसको अप्राकृतिक जो
उनका शक्ति का दुरुपयोग, हमारे ही तो लोग हैं, इस देश का ही तो लोग हैं, और ये कौन करा रहा है कि शक्ति से इस प्रकार का दुष्परिणाम उनके जीवन पे आ रहा है। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं हमारा सबसे ज़्यादा एजुकेशन सिस्टम, शिक्षा व्यवस्था, को एजुकेशन, मैकोले एजुकेशन, एक रूम में लड़का लड़की घुस के पढ़ाई करना, और पश्चिम सभ्यता, अत्याधुनिक सब आधुनिकता के नाम पे जो प्रचंड महामूर्खता, तम मूर्ख से मूर्ख अंधकूप गौहर में गिरने का जो हमारे बच्चों को हम लोग अपने हाथों से लेके पहुंचा रहे हैं। एक समय तो स्कूल, उसके बाद आ गया टीवी, टीवी फिल्म, मूवी, मूवी के बाद टीवी, टेलीविज़न, टेलीविज़न दूरदर्शन, दूरदर्शन के बाद अब हाथ में आ गया मोबाइल, एंड्रॉयड। मैं आधुनिकता का कदाचित विरोध नहीं करता, मैं भी एंड्रॉयड मोबाइल लैपटॉप लेके चल रहा हूँ, दोष उसे नहीं दे रहा हूँ या ये सब ना व्यवहार करें ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, जरूर करें, 100% करें और मस्त से करें। लेकिन यहाँ मैं आप सबको आगाह करना चाहूँगा, सावधान कराना चाहूँगा, जो यहाँ आपके ब्रेन में जब शुक्र महादशा हो या शुक्र अंतरदशा हो, और सबसे मैं कहता हूँ शनि और शुक्र का, शनि महादशा में शुक्र का अंतरदशा या शुक्र महादशा में शनि का अंतरदशा किसी का जीवन पे चलता रहे, और उसके अंदर जो स्पार्क, जो एनर्जी, जो भयंकर भवंडर जब शरीर के कण कण में, मन के कण कण में जाके जब स्पार्क आउट होने लगता है, फायर होने लगता है, ब्लास्टिंग होने लगता है, एनर्जी जब ओवर पावर करने लगता है उनके अंदर, तो उनके द्वारा बहुत कुछ प्रकार के जीवन व्यवस्था में, मनोव्यवस्था में, मनोविकार जनित समस्याओं में वो पड़ जाते हैं। और ये मैं कई सारे लोगों के कुंडली में देखा हूँ, उनके कुंडली पे जब फलित करता हूँ तो ऐसे वो लोग रोते रोते अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपने जीवन का घटनाओं को सुनाते हैं। हम ज्योतिषी हैं, किसी का बात किसी के सामने डिस्क्लोज करें ये कदाचित हो नहीं सकता, इसलिए ऐसा कोई विषय को यहाँ नहीं रख रहा हूँ। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे जातक देखा हूँ जो सूर्य के साथ शुक्र कंबस्ट है, बारहवा भाव में शुक्र जरूर कारक हैं, अच्छे हैं, लेकिन सोचिए सूर्य के साथ कंबस्ट है, सूर्य पिता के कारक है और उसके साथ शुक्र हो गया। तो ऐसे ही एक लड़की आई थी जो अपने जीवन पे वो बोल रही है कि मुझे जवान लड़का अच्छे नहीं लगते, हमें बूढ़ा अच्छा लगते हैं, और उनका जीवन भर वो उसका मैरिजुअल मैरिज बोलिए या उसके जीवन पे जो कनेक्शनल आफ्टर मैरिज रिलेशन हो, जो भी हो, हालांकि उसका हस्बैंड युवक तो मिला लेकिन बूढ़े लोगों के साथ उसका बहुत ज़्यादा संपर्क बना। ऐसे ही एक लड़का का अभी कुंडली देखा, सातवां भाव में शुक्र और सूर्य कंबस्ट है शुक्र, तो लड़का का मात्र उम्र 30 साल है लेकिन पसंद करता है 60-70 साल के औरतों को, बूढ़े लोगों को पसंद करता है या उनके साथ उनका संपर्क है। और मेरे पास जब उसका बड़ा समस्या हुआ और कुंडली लेके उसके घर वाले आए और मैं देखा और ये बोला, तो फिर कुछ रेमेडी तो है नहीं ना, क्या भी रेमेडी दे देंगे आप इनको, आप कितना भी मंत्र जाप आप कराइए, इस उम्र में और क्या होने वाला है। अगर वो बचपन से बच्चों के समय, शिक्षा के समय, एजुकेशन के समय अगर उनका जीवन एक गुरुकुल में चला होता, गुरुकुल में पढ़े होते, क्योंकि गुरुकुल का शिक्षा परंपरा साधनापूर्ण शिक्षा परंपरा होता है, श्रमपूर्ण शिक्षा परंपरा होता है। क्योंकि जैसे आप पहले प्रश्न ये किए कि मूल प्रश्न बिंदु ये है कि अगर शुक्रदेव आपको सब कुछ देते हैं और जाने का टाइम सब ले जाते हैं या दरिद्रता का संभावना रहता है, ठीक है होता है, लेकिन शुक्रदेव बोलना क्या चाहते हैं कि मैं आपको अनंत अमाप प्रचंड शक्ति दे रहा हूँ, और इतना सारा शक्ति देने के बावजूद अगर आप इन शक्तियों का सदुपयोग नहीं करते हो, दुरुपयोग कर देते हो, तो फिर आपको तो दंड दूंगा ना महाराज,
दंड तो मिलेगा, वो देंगे क्या? शुक्रदेव आपको क्या दंड देंगे? आपको दंड मिलेगा। शुक्र जो आपके अंदर एनर्जी भर रहे हैं मूलधार चक्र से लेके आज्ञा चक्र तक का जो प्रचंड एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति, सक्षमता, स्वास्थ्यता सब कुछ प्रदान कर रहे हैं, उसके पीछे रहस्य ये है कि आपको बोल रहे हैं कि बेटा मेहनत कर। यानी आपका ऊर्जा सूची, आपके अंदर बहुत सारा काम वासना है, काम वासना परिपूर्ण नहीं होने के कारण आप तनाव में हैं, टेंशन में हैं, स्ट्रेस में हैं। आप अपने शरीर से इतना ऊर्जाओं को जब आप चैनल नहीं करते हो, यूटिलाइज नहीं कर पाते हो और आपको कोई रास्ता नहीं है करने के लिए, तो सब कहाँ निकालोगे? नीचे से ही निकलेगा, गलत रास्ते से निकलेगा। कोई हस्तमैथुन करेगा, कोई नाइटफॉल हो जाएगा, कोई रात्रि क्षलत हो जाएगा, या फिर कोई और भी बहुत सारे आजकल गुदा मैथुन और सारा चीज चल रहा है। और शादीशुदा हैं तो बिना मतलब के जब आवश्यक नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन का जो काम वासना का चरितार्थ का विषय इसलिए नहीं है विवाह, पुत्र प्राप्त्यार्थे भारिया। लेकिन अगर सोचिए कि शुक्र का वेग, जब शुक्र महादशा, अंतरदशा, प्राण सूक्ष्म दशा हो या प्राण दशा हो, उसमें जो वेग आते हैं, उस वेग को अगर आप हैंडल नहीं कर पाते हो, कंट्रोल कर नहीं पाते हो, उसको यूटिलाइज नहीं कर पाते हो, चाहे किसी भी विधा में हो, योग निद्रा हो, ध्यान हो, तप हो, आसन हो, प्राणायाम हो, व्यायाम हो, एक्सरसाइज हो, जिम हो, लेकिन ये जितना अभी मैं गिनवाया ये तो सब्स्टिट्यूट है। ओरिजिनल बात क्या, शुक्र बोल क्या चाहते हैं कि मैं तुम्हें भूमि भवन वाहन सुख शांति समृद्धि सब कुछ देने के लिए तैयार हूं। कब? जब मेहनत करोगे, जब श्रम करोगे। श्रम का अधिपति शनि और शनि के साथ शुक्र का प्रचंड मित्रता है, लेकिन जब आप नहीं करोगे ना, क्योंकि सोचिए कहीं पर एक डैम बनाया गया, पानी उसमें स्टॉक है, फुल स्टॉक है, फुल बारिश हुआ और पानी फुल हो गया और पूर्ण हो गया और पूर्ण हो गया, आखिर में क्या होगा? डैम तोड़ के पानी जाएगा और चारों तरफ जल जला, चारों तरफ डहा देना, डहा देना सब कुछ पानी में परिपूर्ण हो जाएगा। लेकिन उस पानी से पहले अगर केनाल खोद दिया जाता और पानी को सही दिशा पे लेके जमीनों तक पहुंचा दिया जाता, वही शुक्र आपको डेवलपमेंट देने वाले थे, सुख शांति समृद्धि देने वाले थे, धन धान्य गोप लक्ष्मी में परिपूर्ण करने वाले थे, भूमि भवन वाहन सब कुछ आपको देने वाले थे। लेकिन आपका शिक्षा पद्धति तो आपको दिया नहीं, मेहनत करना छोड़ सिखाया नहीं। हम लोग कुड़िया में बोलते हैं जिते पढ़ुआ सत्य कुड़िया, जो पढ़ुआ मतलब पाठ पढ़ने वाला, कुड़िया मतलब आलसी, कामचोर, ठग। क्योंकि सबको तो नौकर चाकर बनना है, ये चार बार बोलने से नहीं करे चाकर, नौ बार बोलने से नहीं करे नौकर। और साथ में एक रुपया किलो चावल मिल गया, काम करने के लिए कौन जाएगा? सब बैठ के खाओ, बाकी टाइम मिला टीवी देखो, और ज़्यादा टाइम मिला फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर करते रहो। तो शरीर से जब हम पसीना निकालते नहीं हैं, प्रचंड कर्मयोग करते नहीं हैं, भूमि के साथ लड़ते नहीं हैं, पसीना निकालते नहीं हैं, अपने को और इस धरती को सजाते नहीं हैं, शुक्र क्या सुंदरता का कारक है? अब आपको अगर शुक्र महादशा चला तो बागान बनाइए, पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए, चारों तरफ फूल से हरा हरा कर दीजिए, फलों से लतपत कर दीजिए अपने बगीचाओं को, बगीचा नहीं है तो घर के ऊपर छत में करिए। कहीं ना कहीं अपने शक्ति का चैनल करना, उस सोर्स ऑफ एनर्जी को डाइवर्ट करना, उस सोर्स ऑफ को एनर्जी जो आपके अंदर स्टॉक पड़ा है उसको कहीं ना कहीं क्रिएटिव काम में डालना, धन उपार्जन में लगाइए ना। अनेक प्रकार के कार्य पड़े हुए हैं और अगर नहीं है तो सब्स्टिट्यूट उसका क्या है? गायन, वादन, नृत्यन, दम दमा के नाचना है, शरीर का पूरा एनर्जी को लोड डाउन कर देना है, पसीना निकाल के नाचना है, गाना है, बजाना है और उसमें लीन हो जाना है, फिर शुक्र महादशा आपको दुख नहीं देने वाला है। शुक्रदेव तो गायन, वादन, नृत्यन का देवता है और अगर उनसे हम उनका समय में अगर इतना आनंद नहीं ले पाए, फिर वहाँ भी दुखी होकर रहे और अपने शरीर को बंद करके रखे, बैठ गए, पसीना नहीं निकाले, क्योंकि आदत तो नहीं है ना, क्लास वन से लेके
कॉलेज तक काम करने का, नाचने का, बहाने थकने का, मेहनत करने का, पसीना बहाने का आदत तो है नहीं। अब शुक्र मादशा जवानी में आ जाए तो क्या कहाँ क्या क्या मेहनत करेंगे, नहीं कर पाएंगे। हम अपने ऊर्जा को उस चैनल पे नहीं दे पाते, वही ऊर्जा फिर हमें ही खा जाता है। उस कंडीशन पे आप शुक्र महादशा के अंत में भिखारी बनोगे। अपॉर्चुनिटी तो आएगा, शुक्रदेव तो धन धान्य गोपोलक्ष्मी देंगे, शुक्रदेव तो आपको बहुत अच्छा अच्छा मौका देंगे, लेकिन आप अगर उसे एनकेश कर पाओ तो ना। लेकिन जब आप एनकेश कर ही नहीं पाओ, या फिर क्योंकि जब आदमी सुख में रहता है ना तो दुख के बारे में भूल जाता है। जैसे अभी एक मैं एक कुंडली देख रहा था, शादी का 18 साल तक जितना पैसा मियां बीबी कमाए ऐस मस्ती करके उड़ाए। आज विदेश घूमने जाना है, कल वो खरीदना है, कल ये खरीदना है, और सडन उसी शुक्र अंतर्दशा, शुक्र महादशा में बृहस्पति अंतर्दशा, पतिदेव मर गए, पत्नी अकेली, और आज उनको घर वाले, उनका देवर, उनका सास, उनके बाकी सब घर से भगा रहे हैं, और इसके पास ठनठन गोपाल एक पैसा नहीं है। बोलिए क्या प्रणाम होना है। तो इसी हेतु ये मेरा पूरा वीडियो का लक्ष्य यह है कि हम अपने बच्चों को बचपन से उस प्रकार के मेहनती कराएं, कर्मयोग में रत कराएं, मेहनत दें, ना कि केवल किताब का कीड़ा बना दें, किताबी कीड़ा बना दें। उनका शरीर को उस लेवल पे, उस ताकत पे लेके जाएं कि वो तूफान जैसे दौड़ सके, मेहनत कर सके। प्रचंड से प्रचंड शक्ति जब उसके शरीर में वेग रूप में आए, एनर्जी रूप में आए, तो उसको वो चैनल कर सके, चैनलाइज कर सके, यूटिलाइज कर सके, अपने क्रिएटिविटीज में कन्वर्ट कर सके। अगर कर लेता है तो भूमि भवन वाहन सुख शांति समृद्धि धन जन गोप लक्ष्मी में परिपूर्ण होगा, और उसका बुद्धि भी सूक्ष्मकार होगा। तो शुक्रदेव जब कुछ देते हैं तो वो उसको क्या करेगा, मंगल पे कन्वर्ट कर देगा, जमीन खरीद लेगा या कुछ स्थावर अस्थावर घर इत्यादि खरीद के संपत्ति को स्टोर कर लेगा, फिर उससे उसको कहाँ से गरीबी गरीबी आ जाएगा। लेकिन भोगबाधिता इतना प्रचंड हो कि उसको तो केवल भोग करना है ना, फिर वो आगे तक देख नहीं सकता, क्योंकि सुख के समय तो लोग भगवान को भूल जाते हैं, और जब दुख आए तभी भगवान याद आते हैं। और शुक्रदेव तो शुक्रदेव हैं, चारवाक वाले शुक्रदेव थोड़ी छोटे मोटे अंत आदमी हैं, दैत्य गुरु शुक्राचार्य। और क्या बोल रहे हैं दैत्य गुरु, बोले जावत जीवेत सुखम जीवेत, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिवेत। क्यों, बोला भस्मी भूतस्य शरीर पुनरागमन किम, जब तक जी रहे हो। शुक्रदेव क्या बोले, जब तक जी रहे हो ना भाई, मजे से करो, मजे में रहो। अरे बाप रे, जावत जीवे सुखम जीवे, सुख में रहो, मजा करो। हाँ, जावत जीवे सुखम जीवे ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत, घी पीने के लिए अगर ऋण भी लेना पड़े ना तो ले जाओ, कोई बात नहीं। बोले चुकाएंगे कैसे महाराज, बोले अरे हार्ट काहे चुकाना, बोले क्यों, बोले भस्मीभूतस्य शरीर, ये शरीर तो कल भस्मीभूत हो जाएगा, थोड़ी ना दोबारा आएगा, नहीं ना आएगा। तो भस्मीभूतस्य शरीर पुनरागमन, जब दोबारा आना नहीं है, जब तक शरीर में हो भोग लो। ये जो भोगवादी जीवन है ना, गलत नहीं है। तो आपके पास शुक्र का एनर्जी को कन्वर्ट करने का, एक तो शारीरिक परिश्रम करना, कर्मयोग करना, मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा, अरे छोड़ो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कहीं भी जाके सेवा दे दो, किसी नदी प्रांत में जाके सेवा दे दो बिना मतलब का मेहनत। अरे नहीं हुआ ना, गड्ढा खोदो और ढापो, गड्ढा खोदो ढापो, गड्ढा खोदो और उसी मिट्टी में ढापने लगो, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस ऊर्जा को, इस शरीर के शक्ति को यूटिलाइज करना, कहीं ना कहीं देना। दूसरा कि जो भी मेहनत करोगे तो ऐसा नहीं कि पानी में जाके डंडा मारो, बोले पानी को डिवाइड कर देंगे, ऐसे कर्म का भी कोई मूल्य नहीं है, फिर उसमें भी आपको दंड मिल जाएगा।
जो भी कर्म करो उसमें कुछ अच्छा रिजल्ट आए, कोई बड़ा सा बगिया बनाना, बगीचा बनाना, फूल का वाटिका बनाना, औषधि खेती करना, लोग समाज के हित हो। और मैं तो कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा पेड़ लगाइए, ताकि आपके पूर्व पुरुष, आपके पितृपुरुष, ये इससे लेके आपके अगला 100 जीवन तक आपको पुण्य प्राप्त हो। कीड़े मकोड़े, चींटी, जीव जंतु, कितने सारे लोगों को आप उस पेड़ से फल फूल सब कुछ उनको प्राप्त हो जाएगा। हम लोग तो ऐसे भी कहीं धर्मशाला बना नहीं सकते, लेकिन एक पेड़ लगा देते हैं ना तो धर्मशाला बन गया, चिड़ी चिड़िया पक्षी चींटी कीड़े मकोड़ों के लिए। और अगर नेगेटिव पेड़ भी लगाते हो ना, इमली सहजना इत्यादि, तो भूत प्रेत पिशाचों के लिए भी घर बन गया। अरे आप मत मानो, कह रहे हैं समझाने के लिए। पेड़ लगाने से बड़ा पुण्य का तो फल है ही नहीं। या गौमाता का प्रचंड सेवा करो, किसी गौशाला में जाके गौमाता का सेवा करो। आप बोलेंगे यार दूसरे का कर लिए काम करने से हमको क्या मिल जाएगा? क्यों भाई, आपका भी चंद्र 11 में है बैठा है क्या? चंद्रदेव 11 भाव में चले जाएं लाभ भाव में, तो हमेशा लाभ ही ढूंढते रहते हैं ना, तो आप भी लाभ ढूंढ रहे हो क्या? लाभ अपने आप मिलेगा शुक्रदेव जब आपके शरीर पे हैं, आपके लग्न पे हैं, या आपके दशा अंतरदशा में हैं, तो आपको ऐसे कर्म पे उस एनर्जी को उपयोग करिए, जो एनर्जी, जो कर्म आपके सारे एनर्जी को लोड डाउन करेगा, उपयोग करेगा कुछ क्रिएटिव, कुछ महानतम कार्य में, आपके जीवन को लाके रख देगा। शुक्रदेव आपको आशीर्वाद देंगे, अच्छा करेंगे, आपको जाने का टाइम में गरीब नहीं करेंगे, जाने के समय भिखारी नहीं बनाएंगे, जाने के समय अंत शुक्र महादशा या अंतरदशा के अंत समय में आपको दरिद्रता नहीं आने वाला। लेकिन अगर वही ऊर्जा आपके अंदर रहते रहते सड़ रहा है, फिर शुक्र बाबा जितना पीड़ा देते हैं ना, फिर इस विश्व में बाकी कोई ग्रह उतना पीड़ा नहीं देता है। मैं देखा हूँ शुक्र महादशा, शुक्र अंतरदशा में नाम नहीं लूंगा, शुक्र का इतना भयंकर वेग, इतना भयंकर वेग कि वो औरत, वो लड़की ब्लेड लेके अपने शरीर को काटे, ऐसा करके निकाले, पेन हो पीन लेके ऐसे हो गए, ऐसे मारे, रात भर सो नहीं पाए, पतिदेव है नहीं और वो लड़की का शादी हुआ नहीं, वो लड़का का शादी हुआ नहीं, और समाज का भी मान सम्मान का बात है। एक एक ऐसा ऐसा केस मेरे पास आते हैं ना, मैं यहाँ कहूँ तो मुझे भी शर्म लगता है साहब, शर्म लगता है। ये शुक्रदेव हैं, लेकिन इसमें शुक्रदेव का कोई गलती नहीं है, वही शुक्र मनुष्य को अति सुंदर, रोमांचक, अति महान और मस्त शरीर दे देते हैं। राजपुत्र सुतुल्य राजा जैसे सुंदर शरीर, मन बुद्धि चित्त अहंकार आपके अंदर से भर देते हैं, धन धान्य गोप लक्ष्मी से परिपूर्ण करते हैं, सुख शांति समृद्धि से परिपूर्ण करते हैं, आपके जीवन पे भूमि भवन वाहन परिपूर्ण कर देते हैं। वही शुक्रदेव अगर नीच पे देने के लिए आ जाए ना, फिर मत बोलो भाई, मत बोलो। तो मेरे प्रिय मित्र, ग्रह ना खराब होते हैं ना अच्छा होते हैं, वही शुक्र किसी के लिए कारक हैं, वही शुक्र किसी के लिए मारक हैं, वही शुक्र कहीं तात्कालिक मित्रता बना के बैठे हैं, वही शुक्र कहीं शत्रुता बना के बैठे हैं। वही शुक्र जब पाप कर्तरी में फंस जाते हैं तो आपका फल उल्टा कर देते हैं, वही शुक्र जब उत्तम से उत्तम भाव में मित्र ग्रही, स्वग्रही, उच्च ग्रही मीन राशि में जाकर बैठते हैं तो आदमी बम बम हो जाता है, भिखारी का बच्चा भी राजा बन जाता है, राजतुल्य जीवन उसका जीवन यापन करता है। तो ये तो प्लेसमेंट ऑफ योर प्लैनेट इन योर बर्थ चार्ट, और उनको मिलने वाला जो स्पार्क, जो एनर्जी, जो ड्राइविंग सीट,
उसके ऊपर निर्भर करता है। लेकिन समाधान याद रखिए, बाकी शनि महादशा में हनुमान चालीसा करके पार हो जाओगे, या पीपल वृक्ष का पूजा पानी करके पार हो जाओगे, ज्योतिषी लोग आपको समझा देंगे, या नीलम पहन के पार हो जाओगे, या नाव का छल्ला घोड़े का नाल पहन के पार हो जाओगे। मंगल में, मंगल महादशा अंतरदशा में भी आसपास ऐसे ही आपको कुछ रेमेडीज बता दिया जाता है, मुद्दी पत्थर पहन लो, हनुमान जी को पकड़ लो, पूंछ पकड़ लो। सूर्य के समय में भी, सूर्य महादशा अंतरदशा में बोलते हैं सूर्य पूजा करो, सूर्य को जल दे दो, अर्घ्य दे दो। चंद्र के समय में भी ऐसे ही बहुत सारा रेमेडी है, वो ये पहन लो, वो पहन लो, चांदी पहन लो, चंद्रमा बना के पहन लो, अर्धचंद्र बना लो, पूर्ण चंद्र बना लो, चंद्रार्घ्य दे लो। राहु केतु के समय में भी भंगी को खिला दो, भंगियों का सेवा करो, और कुत्ता पाल लो, बकरा पाल लो, बकरी पाल लो, गाय पाल लो, गाय सेवा कर लो। शुक्र में क्या करोगे? बोलेंगे दही में नहाओ, क्या होने वाला है, बाबा जी का टुल्लू, थोड़ा बहुत कंट्रोल हो जाएगा। शुक्रदेव का जो भी रेमेडीज हैं, चाहे वो आप एडी पहन लो, चाहे हीरा पहन लो, या जो भी ज्योतिषी में हमारा विधान है, उस एनर्जी को बैलेंस करना इतना आसान नहीं है। इसीलिए तो शुक्रदेव का एक राशि का नाम क्या है, तुला। और है कहाँ, बोला सातवां घर में। कैसे बोला, बैलेंस हो गया। डिसबैलेंस हुआ तो डिसबैलेंस हुआ, डिसबैलेंस हुआ तो डिसबैलेंस हुआ। जब तक काउंटर वेट आप नहीं देते हो, तब तक बैलेंस नहीं होता है। वो काउंटर वेट ही प्रचंड कर्मयोग है, जो गीता में भगवान पहला अध्याय से लेकर 6 अध्याय तक समझाए हैं। कुछ करके दिखाना, कुछ करके गुजरना, कुछ कैसे करना जिसका आउटपुट हो, पसीना बहाना, किसी जमीन पे खेती करना, बगिया लगाना, गच लगाना, या प्रचंड डांस करना, नाचना, गाना, गीत गाना, बजाना, या किसी भी प्रकार के ड्राइंग पेंटिंग से लेके फाइन आर्ट से लेके किसी प्रकार के आर्ट में डूब जाना, भीग जाना, या फिर किसी भी स्थिति पे जाके आप अपने जीवन पे कर्म क्षेत्र जो कुछ भी है उसमें आप अपने को पूर्णतया मानसिक शारीरिक लेवल पे व्यस्त रखना, ताकि मन उस स्प्रिंकल को, उस फ्लैश को, जब शुक्र का फ्लैश आता है ना दिमाग में, मन में, तुरंत सेकंड के अंदर आपके शरीर में काम उत्तेजना और सारा जो भी नेगेटिव थॉट्स भावना, एक सेकंड के अंदर कुछ नहीं कर सकते। अगर आप स्पोर्ट्समैन हो, मंगल का सहारा लेते हो, मंगल देव का, चाहे वॉलीबॉल खेलो, या फुटबॉल खेलो, या बैडमिंटन, बैडमिंटन भी नहीं, इस प्रकार के जिसमें सबसे ज़्यादा ऊर्जाओं का यूटिलाइज मुख्य, तो फुटबॉल, हॉकी, वॉलीबॉल सबसे ज़्यादा पसीना निकालने वाला। क्रिकेट जैसे खेल लेंगे, खड़ा है बेटा और उधर से बॉल मारेगा तो पकड़ेंगे और फेंकेंगे, नहीं तो बैटिंग करेंगे, नहीं तो बॉलिंग करेंगे। इसमें आपका कुछ होने वाला नहीं है, आपका, आपके कोई ऊर्जा शक्ति बढ़ने वाला नहीं है। एंटरटेनमेंट, पैसा और नाम, नेम फेम कमाने के लिए खेल सकते हो, अलग बात है, लेकिन शुक्र का एनर्जी को चैनलाइज करना है तो पसीना बहाना पड़ेगा साहब, वही अलग रास्ता नहीं है। और हाँ, इस जगह में अगर आपको एक एडवाइस में देना तो नहीं चाहता हूँ, लेकिन उस शक्ति को अगर उपयोग करो और आपके पास ऐसा माहौल व्यवस्था है, तो ओशो जी के शरण, भगवान ओशो जी के शरण पे जा सकते हो, मना नहीं है। लेकिन वो भी एक सही गुरु को धारण करके, बिना गुरु में आप कुछ किताब ओशो जी का पढ़ लो, टेप सुन लो और अपने आप शुरू कर दोगे, तो याद रखना वो बहुत ज़्यादा खतरनाक करके गड्ढा में डाल देगा आपको। उसके लिए भी प्रचंड ज्ञान बुद्धि चाहिए, अच्छे पार्टनर चाहिए, अच्छे संपर्क, अच्छे समझदारी चाहिए, नहीं तो वही कभी कभी गलत दिशा में लेके ठेल। स्वाभाविक शुक्रदेव तंत्र का कारक है, मंत्र का कारक है, आयुर्वेद, आयुर्विज्ञान, ज्योतिषी, गुप्त विज्ञान इत्यादि के कारक तो जरूर हैं, कारण तो जरूर हैं। तो आप अगर इन विद्याओं में भी आप प्रवेश कर सकते हो, तो भी शुक्रदेव के जो अति वेग है महादशा अंतरदशा का, उसमें से भी आपको कहीं ना कहीं निजात मिल सकता है।
चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसके बारे में भी और भी बहुत सारे विषय हैं। मैं आगे चल के इसके बारे में और डिटेल पे आऊँगा, एक एक विषय। शुक्रदेव पहला घर में रहने से, दूसरा घर, बारहवां घर में रहने से क्या होता है, किस प्रकार का आपको अंदर स्पार्क आएगा, आपके अंदर वेग आएगा, आपके अंदर भावनाएं आएंगे और वो किस प्रकार मनोविकार सृष्टि करके रखेंगे, और जैसे चंद्रमा के साथ युति, दृष्टि संपर्क या बुध के साथ या बाकी ग्रहों के साथ उस समय आपके जीवन पर किस प्रकार के बवंडर्स आते हैं, और ये सारे बवंडर बाहर नहीं अंदर ही रहते हैं, और उससे आप कैसे निजात पाएंगे, और उसमें ज्योतिषीय चिकित्सा विज्ञान एस्ट्रोथेरेपी क्या करेगा, यानी जो रेमेडीज़ है और कथाकथित जो भी रेमेडीज़ दे दिए गए हैं, और एस्ट्रोथेरेपी के दृष्टिकोण से क्या रेमेडीज़ हो सकते हैं, इन सारे विस्तार, इन सब विषय के साथ आपके समक्ष पुनः अगला वीडियो पर हम लोग मुलाकात करेंगे। आपको अगर ज्योतिषी सीखना है, जो लोग आसपास के हैं, राउरकेला के आसपास, समलपुर, केंदुझर, सुंदरगढ़, या झारखंड के आसपास, रांची, टाटा, चकधरपुर, मनोहरपुर, राउरकेला के आसपास चारों दिशा में रहने वाले जो लोग ज्योतिषी सीखना चाहते हैं, कर्मकांड सीखना चाहते हैं, कर्म ज्योतिषी ग्रह जने साधना इत्यादि करना चाहते हैं, ग्रह शांति यज्ञ हवन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल हमारे पास रह के कर्मकांड ज्योतिषी या गुरुकुल आचार्य पढ़ना पढ़ाना चाहते हैं, या किसी प्रकार के ऐसे समस्या में पड़े हैं जो आप निजात नहीं पा रहे हैं, तो हमारे एस्ट्रोथेरेपी हॉस्पिटल पे भी आप एडमिट हो सकते हैं। जब सारे पाथी फेल हो जाते हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथ सब फेल, तो एस्ट्रोथेरेपी में आपको रेमेडी देने का प्रयास करेंगे। देखिए, भगवान तो है नहीं, प्रयास मात्र है। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमारा संपर्क नंबर केवल व्हाट्सएप या एसएमएस करेंगे, कॉल नहीं उठा सकते, हज़ारों कॉल आते हैं, 6-6 चैनल चल रहा है, नंबर 9437580589 या फिर 9938727418। ये दो नंबर आप मेरे YouTube में किसी भी YouTube चैनल पे आप भी टाइप करेंगे तो मेरा पुराना विगत 7 साल 10 साल के सारे मेरे प्रवचन के कथाओं के वीडियो भी आ जाएंगे, आप उन चैनलों को भी अध्ययन कर सकते हैं, लाइक, शेयर, कमेंट कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। किसी भी प्रकार के समस्या में फंसे हुए हों, शुक्र जनित समस्या हो या किसी प्रकार मनोविकार जनित समस्या हो जिसको आप दमन कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, दमन का तो मैं विरोधी हूँ, दमन नहीं कहा जा सकता है, समन कह सकते हैं, देयर इज नो माइंड कंट्रोल, यू जस्ट बैलेंस द माइंड, जो भगवान कृष्ण गीता में बताए, सिद्ध सिद्धो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते, तो समत्व का प्राप्ति करना, प्रज्ञा भाव को प्राप्ति करना, मध्यस्थ मार्ग जो हमारे जीवन विद्या में नागेश्वर स्वामी बताते हैं, या ओशो जी भी वैद्य से बताते हैं, या कृष्ण भगवान गीता में बताए, या रमण महर्षि जी भी अपने उपदेश सार में बताएं कि यू जस्ट कंट्रोल योरसेल्फ। तो इस प्रकार के साधना जो अपने जीवन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अति समस्या में आप पड़े हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के समस्याओं से आपको निजात दिलाने हेतु काम वेग से लेके, हाँ इसमें एक और भी बात मैं कहना चाहूँगा, जिनका शुक्र बहुत ज़्यादा समस्या में है, नपुंसक जैसे बीमारी में हैं, या बहुत देर तक आप प्रतिक्रिया नहीं कर पा रहे हैं, या आपके जीवन पे उस प्रकार के संभोग शक्ति का कमी है, या चलिए जो भी, इसमें मैं सारा बात खोल के नहीं कहना चाहता हूँ, तो हमारे पास ऐसे कुछ विधाएं हैं जिनका साधना करने से, मेडिसिन पत्थर और बात नहीं कह रहा हूँ, ऐसे कुछ ज्योतिषीय विधाएँ हैं जिनको आप साधना करेंगे, ऐसे कुछ मंत्र है, ऐसे कुछ जाप है, ऐसे कुछ जड़ी बूटी हैं, ऐसे कुछ आहार है, ऐसे कुछ औषधि हैं, आयुर्वेद और जड़ी बूटी, जिनसे आपका जीवन पे अगर ऐसे शुक्र जनित दुख है, संभोग जनित दुख है, तो उसका निराकरण हो सकता है। ऐसे ज्योतिषीय विधान से आपकी कुंडली देख के हम लोग इसके ऊपर और अच्छा से करवा सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, और आपको लूटना नहीं है, इसलिए हम कोई गारंटी शब्द नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि होना नहीं होना ऊपर वाले के हाथ पे और आपके साधना के ऊपर निर्भर करता है। तो ऐसे भी हम देखें जो 3 मिनट तक वो अपने कार्य कर नहीं पाते थे, आज वो 3 घंटा से लेके 7 घंटा का रिकॉर्ड तोड़ काम कर पाते हैं,
ये पॉसिबल है? यही तो एस्ट्रोथेरेपी का चमत्कार है साहब। यही तो केवल रेमेडी देने से नहीं होगा, आपके साथ मिलके आपके समस्याओं को साधनात्मक, आध्यात्मिक, आयुर्वेदात्मक और मनोवैज्ञानिक समाधान निकालना एस्ट्रोथेरेपी का लक्ष्य है, हमारे केंद्र का लक्ष्य है। समस्या तो आएंगे साहब, नाम दुर्नाम बदनाम तो लगा है, उसको डरेंगे तो फिर ज्योतिषी क्यों बनेंगे? जाओ मछली बेचो, पाप कमाओ। चलिए महाराज, अच्छा तो प्रणाम, वीडियो को यहाँ विराम देते हैं। समझ में आए तो अच्छा बात है, नहीं समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं, अच्छा बुरा दोनों लिखिए। स्वागत है आपका, नमस्कार।